नमस्कार, सार्थक विमर्श में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ CDS को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को घोषणा की है कि भारत की तीनों सेनाओं का एक प्रमुख होगा। इसकी कवायद 20 साल पुरानी बताई जाती है। 1999 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा तब इसकी आवश्यकता महसूस की गई थी। उस वक्त से ये लगातार जो है अटल सरकार, मनमोहन सरकार और अब मोदी सरकार इस पर विचार विमर्श करती रही और अंततः नरेंद्र मोदी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त को इसका ऐलान कर दिया। यानी 20 साल पुरानी कवायद अब साकार होने जा रही है। हालांकि अभी बहुत सारे प्रश्न इसमें बाकी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। बहरहाल हमें प्रतीक्षा करनी होगी, उनके जवाब शीघ्र मिल सकेंगे। इस पर पूरी रिपोर्ट है, उसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जो मांग थी वो 1962 के चीन युद्ध से पहले निकली थी, लेकिन उस वक्त के जो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। कृष्णा मेनन के विरोध के चलते जवाहरलाल नेहरू को इससे पीछे हटना पड़ा। इसके बाद इसकी मांग बीच बीच में उठती रही, लेकिन 1999 में इसकी ज़रूरत महसूस की गई और स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन की गई कि संयुक्त ऑपरेशन के लिए तीनों सेनाओं के एक कोऑर्डिनेटर आवश्यक है, जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो सकता है या कोई भी उस पद का नाम हो, लेकिन एक संयुक्त उसका संचालन करता चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सैन्य बलों के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का पद बनाने की घोषणा कर दी। CDS थलसेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को प्रभावी नेतृत्व प्रदान करने और उनके बीच समन्वय बढ़ाने के लिए सृजित किया जाने वाला एक पद है। विशेषज्ञ और पूर्व सैनिक लंबे समय से कई मौक़ों पर यह मांग कर चुके थे। CDS बनाने का पहला आधिकारिक प्रस्ताव 1999 में कारगिल युद्ध के बाद बनी कारगिल रिव्यू कमेटी यानी KRC ने 2000 में दिया था, यानी करीब 20 साल पहले। भारत में अभी CDS का एक बहुत ही कमज़ोर विकल्प काम कर रहा है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के जिम्मे यह काम होता है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों में जो सबसे वरिष्ठ होता है वह इस पद को संभालता है और उसके रिटायर्ड होने के बाद यह पद दूसरे को मिल जाता है। अभी वायुसेना प्रमुख BS धनोआ इस पद पर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनने के बाद डिफेंस प्लान की प्राथमिकता आसान होगी, जैसे सबसे ज़्यादा खर्च किस पर आना चाहिए, उपकरणों पर, फाइटर प्लेन पर या सबमरीन पर इत्यादि। नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस दिशा में कुछ काम शुरू किया था, लेकिन तब CDS की नियुक्ति पर फैसला नहीं हो सका था। 3 साल पहले सरकार ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था वह इस मामले पर सभी दलों के बीच सहमति चाहती है और अभी चर्चा की प्रक्रिया पूरी ना हो पाने की वजह से इस पर फैसला नहीं हो सका है। पर्रिकर ने इस बारे में शेकतकर कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद फैसला करने की बात कही थी। अब इसको हम समझते हैं 5W1H के ज़रिए। सबसे पहले वॉट, क्या होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आसान भाषा में अगर बात करें तो ये तीनों सेनाओं का सर्वोच्च पद होगा और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वह अकेला व्यक्ति होता है जो रक्षा योजना और प्रबंधन पर सरकार को सलाह देता है। वह तीनों सेनाओं में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, साथ ही मैन पावर, उपकरण, एक्शन प्लान पर भी सरकार के संपर्क में रहता है। किसी भी ऑपरेशन में तीनों सेनाओं को जॉइंट मैनशिप भी सुनिश्चित करेगा। इससे इंटेलिजेंस ग्रिड और नेशनल सिक्योरिटी में तालमेल निश्चित हो सकेगा। इस पद पर बैठा शख्स तीनों सेनाओं का उपयोग सुनिश्चित करेगा। दूसरा W है वैन। कब से मांग हो रही थी देश में इस पद की? 20 साल से ये पद चल रहा था, 20 साल से इस पर बात हो रही थी। जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि सबसे पहली मांग जो थी 1962 के चीन युद्ध से पहले आई थी, लेकिन उस वक्त कृष्णा मेनन जो रक्षा मंत्री थे उन्होंने इसका विरोध किया तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री इससे पीछे हट गए। लेकिन इसकी उपयुक्त जो मांग आई, अधिकृत जो मांग आई, वो कारगिल युद्ध के बाद आई। अब तीसरा W है क्यों ज़रूरत है देश को CDS के पद की। सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर राजीव भूटानी अपनी किताब रिफॉर्मिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग हायर डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि भारत अकेला ऐसा देश है जहां एक सिविल अधिकारी रक्षा सचिव रक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब नौकरशाह युद्ध की योजना बनाता है, तीनों सेना अध्यक्ष उसे लागू करते हैं। पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ NC विज ने 3 साल पहले एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखा था कि CDS बनाने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इससे सरकार अलग अलग सेनाओं की राय में दिखने वाली मतभेदों को दूर कर एक उचित सैन्य फैसले पर पहुंच सकेगी। चौथा W है
कौन बनेगा पहला चीफ ऑफ डिफेंस। तो अभी तक सरकार ने कोई तय नाम तय नहीं किया है, लेकिन माना यह जा रहा है कि 26वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत इस पद की रेस में बाकी दूसरे नामों से आगे हैं। रावत दिसंबर में रिटायर्ड होने वाले हैं। हालांकि अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की रैंक तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ऊपर रहेगी या बराबर, इसे लेकर अभी अलग अलग बातें कही जा रही। इसी तरह अभी तक यह भी तय नहीं है कि चीफ ऑफ डिफेंस का कार्यकाल कितने समय का होगा। आखिरी डब्ल्यू है वेयर, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समकक्ष कौन है। जैसे कि अमेरिका में यहाँ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता है, जिसे CJCSC कहते हैं। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के समकक्ष पद है और ये सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर सलाह देता है। इसके अभी वर्तमान में जो अमेरिका में है वो है जनरल जोसेफ डनफोर्ड, जो है मौजूदा CJCSC है। ब्रिटेन में यह चीफ ऑफ डिफेंस ही कहलाता है, सेना का प्रोफेशनल हेड होता है। वह रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री को सलाह देता है, मंत्रालय के स्थायी अवर सचिव के साथ मिलकर काम करता है। अभी फिलहाल में ब्रिटेन में जो है जनरल सर निक कार्टर इस पद पर हैं। चीन में यह जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ही पीपुल लिबरेशन आर्मी की सर्वोच्च संस्था है। यह सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के तहत काम करता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। अभी वर्तमान में चीन में इस पद पर जनरल ली जोउ चेंग काबिज हैं। फ्रांस में यहाँ चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ आर्मी ही सभी सेनाओं का प्रमुख होता है, वही सभी तरह के सैन्य ऑपरेशनों का नेतृत्व करता है। प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक सारे ऑपरेशंस इन्हीं के जिम्मे हैं। अभी यहाँ पर जो मौजूदा पद है उस पद पर फ्रैंकोसिस लेकोंत्रे इस पद पर अभी हैं। हाउ कैसे होगा चुनाव, ये बड़ा प्रश्न है। इसे लेकर भी कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि टॉप लेवल की क्रियान्वयन समिति CDS के तौर तरीकों और भूमिका के बारे में नवंबर तक काम करेगी। CDS की रैंकिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स के चीफ से ऊपर हो सकती है, भले ही वह उसकी तरह ही 4-स्टार लगाए, या हो सकता है भविष्य में इसको 5 सितारा भी दिया जा सकता है। बहरहाल अभी ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं और 2019 के अंत तक ये हमें देखने को मिलेगा। इस पर जो है रिटायर्ड जनरल जो है VP मलिक, वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति से तीनों सेनाओं के बीच कोऑर्डिनेशन से संबंधित कई समस्याओं का हल निकलेगा। जैसे कि करगिल युद्ध के दौरान समस्या आई थी कि जब हम वायुसेना के साथ मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन करना चाहते थे तो कैबिनेट से इजाज़त लेनी पड़ी थी, कैबिनेट नहीं चाहती थी कि इसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए। उसको मनाने में हमको काफ़ी वक्त लग गया। इसलिए जब करगिल रिव्यू कमेटी हुई KRC हुई का गठन हुआ तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS नियुक्त करने की सिफारिश की गई। कमेटी ने और भी कई सिफारिशें की थी जिनमें से लगभग सभी को मान लिया गया, लेकिन CDS के प्रस्ताव पर डिसीजन नहीं हो सका। बाद में इस पर राय देने के लिए बनी मंत्रियों की कमेटी के चेयरमैन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी थे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इसे लागू करना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक दलों के बीच एक राय नहीं हो पाई। मतभेद भाजपा में बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि कांग्रेस इस पर राजी नहीं थी। बाद में 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने नरेश चंद्रा कमेटी बनाई, उन्होंने भी CDS नियुक्त करने की सिफारिश की, लेकिन उसकी ताकत कुछ कम करके 2016 में जनरल DB शेकतकर कमेटी बनाई। 2017 में इसकी रिपोर्ट आई और इसमें कुछ हिस्से को लागू कर दिया गया। बेशक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति की बात पिछले 20 साल से चल रही है, लेकिन 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की तो हमारे लिए सरप्राइज की बात है। ये कहते हैं मलिक, 2001-2002 की रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि इसकी ज़रूरत क्यों है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कमेटी ही कई बार कोऑर्डिनेशन को संभाल पाता है। इससे ऑपरेशन प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, डिफेंस प्लानिंग में आसानी होती है। अब सरकार ने इसे घोषित किया है तो उम्मीद है कि जल्द ही इम्प्लीमेंटेशन कमेटी बनाकर इसका रोल भी काम तय कर दिया जाएगा। सरकार से कैसे संबंध होंगे, क्या राय दी जाएगी। अब आपके पास CDS होगा तो तीनों सर्विसेज में इंटीग्रेशन और साझा होगा और सैन्य रणनीति और ऑपरेशन इफेक्टिवनेस बेहतर होगी, ताकत का सर्वोत्तम उपयोग हो सकेगा, इससे खर्च बचेगा। इस समय तीनों शक्तियां अपने अपने दायरे में काम कर रही हैं जिसमें बहुत सारा डुप्लीकेशन है। CDS के पास पूरी ताकत नहीं होगी। इंटीग्रेशन हम टॉप लेवल पर चाहते हैं और ज्वाइंटनेस नीचे के स्तर पर। पॉलिसी बनाने में दिक्कत नहीं आएगी, इससे रक्षा मंत्री की ताकत कम नहीं होगी। वह रक्षा मंत्री और कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी दोनों का सलाहकार होगा। ये कहते हैं जनरल VP मलिक।
आपको अगर CDS को लेकर कोई क्वायरी हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में इसका जवाब दें। साथ ही CDS को लेकर के ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इस चैनल पर धर्म, समाज और राजनीति पर वृहद स्तर पर 1000 से अधिक वीडियोज़ हैं, आप इनको देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।